हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शीना व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज सुबह मेरी आँख खुली 8:10 पर, जो कि मैं लेट हो गई थी। मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना था, बेटे के स्कूल की छुट्टी थी, तो ब्रेकफास्ट मैंने सिर्फ अपनी जो है कैट्स को दिया और मिल्क में मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके वो उनको दिया। वाटर ऐड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो है लैक्टोज के डाइजेशन के लिए कैट्स के पास इतने अच्छा सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए वाटर से इसको डाइल्यूट करना पड़ता है मिल्क को। और इस तरह जो ये कि मिल्क जो है वो आराम से डाइजेस्ट कर लेती हैं। ये जो वाइट वाली है उसको मैं मानो बोलती हूँ, और ये जो ब्राउन वाली है ये कैट, इसको मैं ब्राउनी बोलती हूँ जी। वैसे जो ज़्यादा समझदार है वो ब्राउनी है, और छोटी वाली तो बहुत तंग करती है मुझे, वाइट वाली। और ये रहा मेरा हरा धनिया जो मैंने अपने पॉट में लगाया है। सुबह उठ के मैं इनको पानी दिया, और पानी इसको दिन में मैं 2 से 3 दफ़ा देती हूँ, क्योंकि हरा धनिया को जो है एक फुल फ्लैश वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए। और देखें कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ये फल फूल रहा है माशाल्लाह से। और अभी इसकी कटिंग भी करूँगी मैं, क्योंकि आज जो है इसको मैं यूज़ करूँगी आलू के पराठे बनाने का जो मेरा प्लान है उसमें, और रायते में, दही में। और इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। ये हो गया था मेरे जॉब से वापसी के बाद का टाइम। लंच दिया मैंने अपने बच्चों के लंच से पहले, मुझे इनके अपनी कैट्स के लंच की फ़िक्र होती है, तो पता चला था कि अभी इनको कुछ दिया गया नहीं है और मुझे ही देना है, तो मैंने फ़िश को जो है बॉईल किया जल्दी से, ये बोनलेस फिशेस को, और ग्राइंड किया मैंने। और ये ग्राइंडर में मैंने अच्छा खासा पानी भी डाला है। अच्छा, पानी मिलाने की वजह ये है कि गर्मियां हैं तो वाटर इनटेक के लिए।